तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लोफर्ड मैक्स टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसको कैसे लेना होता है, क्या लड़के इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों, क्लोफर्ड मैक्स टैबलेट, ये 55 टैबलेट्स का पैक आता है। इसमें 25 टैबलेट क्लोमिफेन सिट्रेट 25 mg रहती है और बाकी की जो 30 टैबलेट है 30 टैबलेट जो कि मल्टी विटामिन की रहती है। इस टैबलेट का जो प्राइस रहता है वो 1151 रुपीज आपको मार्केट में मिल जाता है, या आपको मार्केट में ऑनलाइन या फिर बाहर स्टोर पे कम रेट पे भी मिल सकता है। तो इस टैबलेट का यूज फीमेल इनफर्टिलिटी में किया जाता है, मतलब कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है ओव्यूलेशन के कारण, या PCOS मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या फिर इसको PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी कहते हैं, उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हो क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में कि क्या होता है। PCOS में महिलाओं के शरीर में सामान्य की तुलना में अधिक हार्मोन्स बनने लगते हैं। हार्मोन्स की इस असंतुलन की वजह से पीरियड्स नियमित नहीं रहते हैं, आगे चलकर इससे प्रेगनेंसी में समस्या आ जाती है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा बनने लगते हैं और अंडाशय पर एक से ज्यादा सिस्ट होने लगता है। अब हम जान लेते हैं कि PCOS के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण है वो है अनियमित मासिक धर्म, मतलब पीरियड्स का इरेगुलर आना। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनचाहे अंगों पर बाल उगना, जैसे कि थोड़ी, चेहरा, छाती, पीठ, पेट, कहीं पे भी बाल उग सकते हैं। बालों का झड़ना, व्यवहारिक स्वभाव में बदलाव होना, जैसे कि अचानक से उदास हो जाना, चिंता में डूबे रहना, चिड़चिड़ा महसूस करना, और बार बार गर्भपात होना, गर्भधारण में समस्या होना, अंडाशय में सिस्ट का होना, तो ये इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इन्हीं केस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है ताकि फीमेल इनफर्टिलिटी को ठीक कर सके। तो क्या इस टैबलेट का यूज लड़कों में किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इस टैबलेट का यूज लड़कों में किया जाता है। अगर लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब जान लेते हैं आपको इसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में आपको उल्टी हो सकती है और पेट में अजीब सा फील हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ओवरी का साइज बढ़ सकता है, पर ये बहुत रेयर केस में होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही। चेहरे पर लाल हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, ये 55 टैबलेट्स का पैक आता है। इसमें 25 टैबलेट क्लोमिफेन सिट्रेट और 30 टैबलेट मल्टीविटामिन की रहती है। तो जो इसमें व्हाइट टैबलेट होती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट की होती है, जो कि आपको पीरियड्स के 5th डे से लेनी होती है और जो कि 25 डेज तक चलती है। और जो रेड कलर की टैबलेट होती है वो मल्टीविटामिन की होती है, जो कि आपको 1st डे से लेनी होती है और ये 30 डेज तक चलती है। कोशिश करें कि टैबलेट को डेली एक ही टाइम पर लें और डॉक्टर की परमिशन के बिना इस टैबलेट का यूज बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।